पाकिस्तान में आतंक पर कार्रवाई का जो झूठा खेल रचाया था उसका सच सामने आ गया है। आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन वह जेल नहीं जेलर के बंगले में रह रहा है। उसके खिलाफ 23 मामले हैं लेकिन फिलहाल आतंकियों को पैसा देने के मामले में ही जांच चल रही है। जेल प्रशासन आतंकी हाफिज सईद को महंगी गाड़ी से लेकर आया था। गुजरावाला जेल के जेलर ने उसे अपने बंगले में ठहराया है जहाँ उसे सारी सुविधाएं मिल रही है। मीडिया के जाने पर भी रोक है। कुछ चैनल वाले गए थे तो उन्हें फटकार कर भगा दिया गया। उसके साथ गिरफ्तार किए गए आतंकियों को जेल में रखा है लेकिन उन्हें सब इंतजाम दिए गए हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद यह दलील दी गई है कि वह बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। जेलर के बंगले वाले सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले आतंकी हाफिज सईद को लाहौर में पकड़ा गया था। पाकिस्तान पर दुनिया भर से आ रहे दबाव के बाद उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू तो की है लेकिन अब भी उसकी मंशा पर सवाल है। आतंकी को जेल में सुख सुविधाएं देने का मामला विदेशी मीडिया में भी उछल रहा है। कुछ पत्रकारों ने फेसबुक पोस्ट किए हैं, इन्हीं के आधार पर पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान दुनिया के पटल पर खुद को शांतिप्रिय देश साबित करना चाहता है तो उसे आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।